और आज से मिशन ओडिशा पर बीजेपी का महामंथन शुरू हो रहा है। पीएम मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह समेत 13 राज्यों के सीएम और 3 डिप्टी सीएम भी इसमें शिरकत करेंगे। चर्चा नमो ट्रैक रिकॉर्ड और नमो रेल रोल मॉडल पर भी होनी है। आपको बताएं, ओडिशा में आज से बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो गई है और आज और कल 2 दिन भुवनेश्वर में पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह समेत बीजेपी के दिग्गज नेता पार्टी की रणनीति पर चर्चा करने वाले हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले सुबह 11 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी। शाम 5 बजे बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होगी। बैठक में शामिल होने के लिए पीएम मोदी दोपहर 3:30 पर भुवनेश्वर पहुंचेंगे। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के 100 से ज्यादा पदाधिकारी शामिल होंगे। बीजेपी की सरकार वाले 13 राज्यों के सीएम और 3 डिप्टी सीएम इस बैठक में शामिल होंगे। पीएम मोदी आज भुवनेश्वर में एक रोड शो भी करेंगे। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में जीत के बाद बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक हो रही है और खास तौर पर यूपी में धमाकेदार जीत दर्ज करने के बाद सीएम योगी बैठक में चर्चा के केंद्र में रहेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज दोपहर 2:45 पर भुवनेश्वर पहुंचेंगे। यूपी के तर्ज पर ही अब बीजेपी ओडिशा में भी धमाकेदार जीत दर्ज करने का प्लान बना रही है। भुवनेश्वर में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए बीजेपी नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है, लेकिन सबकी नजर दोपहर के बाद 2 बड़े नेताओं पर होगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दोपहर 2:45 पर भुवनेश्वर पहुंचेंगे और वहीं पीएम मोदी दोपहर 3:30 पर भुवनेश्वर पहुंचेंगे। दोनों नेताओं पर खास तौर पर सबकी नजर है। यूपी में धमाकेदार जीत और उसके बाद सरकार के कामकाज को लेकर जहां एक तरफ पूरे देश में सीएम योगी की चर्चा हो रही है, तो वहीं केंद्र सरकार के कामकाज, विधानसभा चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत और उपचुनाव में बीजेपी के धमाकेदार प्रदर्शन के बाद अब पीएम मोदी के नेतृत्व की भी पूरे देश में तारीफ हो रही है। असित कुणाल, इंडिया 24/7 एडिटर, हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। असित, आज जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है बीजेपी की, उसमें किस तरह से बीजेपी अपने अहम एजेंडे को आगे बढ़ाएगी? देखिए, एकदम हाल के जो विधानसभा चुनाव हुए थे अजीत, और उसमें जो जीत मिली थी भारतीय जनता पार्टी को, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में जो महाजीत है, उसके बाद पार्टी चाहती है कि ये मोमेंटम बना रहे 2019 तक। यही कोशिश है कि उस जीत के बहाने यहाँ पर चर्चा होगी और पार्टी कोशिश करेगी कि उसका गुणगान किया जाए और उसका जो मैसेज है वो पूरे देश में दिया जाए। यही कारण है 100 से ज्यादा जो बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, जिनमें 40 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री हैं, लगभग दर्जन भर से ज्यादा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, ये तमाम लोग पहली बार जुटेंगे इन विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद। जो एजेंडा है बैठक में, उसमें तमाम तरह की चीजें हैं। इस साल जो विधानसभा चुनाव होने हैं जिन राज्यों में, गुजरात और हिमाचल प्रदेश, वहां पर रणनीति की रूपरेखा पर भी चर्चा होनी है, ये एजेंडे में है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं जी। ऐसे में मई में जब सरकार के 3 साल पूरे होंगे अगले महीने, तो किस तरीके से पूरी रूपरेखा तैयार की जाए कार्यक्रमों की, इस पर भी चर्चा होनी है बैठक में। इसके अलावा संगठन से जुड़े कई और मुद्दे भी हैं, मगर जो लार्जर इशू अजीत इस बैठक का है, उसके दो अहम चीजें हैं। एक तो उड़ीसा में ये बैठक इसलिए बुलाई गई है क्योंकि अमित शाह और का जो एजेंडा है उसमें वो चाहते हैं कि पार्टी का विस्तार उन राज्यों में किया जाए जहां पारंपरिक रूप से भारतीय जनता पार्टी मजबूत नहीं थी जी। इससे पहले केरला में जो पिछली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी वो केरला में की गई थी, इस बार ये उड़ीसा में की जा रही है। तो कोशिश ये हो रही है कि उन राज्यों में बैठकें की जाए जहां पर भारतीय जनता पार्टी उतनी मजबूत नहीं है। उड़ीसा में हाल के दिनों में, पिछले दिनों में पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से एक बड़े ताकत के तौर पे उभरी है। ऐसे में कोशिश ये की जा रही है कि अगले लोकसभा चुनावों और विधानसभा चुनावों से पहले उड़ीसा में जमीन तैयार की जाए। यही कारण है कि भुवनेश्वर को चुना गया है, तो ये एक महत्वपूर्ण ये है। दूसरा, जैसा मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश जीत के बाद एक पूरा मैसेज पूरे देश में देने की कोशिश ये की जाएगी कि अब जो बीजेपी है वो फ्रंट फुट पर है, 2019 में जो फाइनल होना है उससे पहले सेमीफाइनल जीत कर अब पार्टी
तैयार है आगे के तमाम राज्यों के विधानसभा चुनाव और आगामी लोकसभा चुनावों के लिए। तो एक मैसेज देने की कोशिश यहाँ है इस वक्त की, अगर आपको हम बता दें आंखों देखा हाल भुवनेश्वर का, कल रात जब हम उतरे भुवनेश्वर में तो पूरा जो रोड है वो पटा हुआ है पोस्टरों और बैनरों से नरेंद्र मोदी और अमित शाह के। सड़क के दोनों तरफ बैरिकेडिंग की गई है क्योंकि बताया ये जा रहा है कि लगभग 3:45 पर प्रधानमंत्री भुवनेश्वर उतरेंगे और वहां से जो उनका काफिला होगा वो रोड शो के तौर पर तब्दील हो जाएगा और जनता मैदान जो वहां से लगभग 2-3 किलोमीटर की दूरी पर है, ये 3 किलोमीटर का फासला जो है, 3-4 किलोमीटर का फासला रोड शो के तौर पर होगा जहां दोनों सड़क के दोनों तरफ भाजपा के कार्यकर्ता उनका अभिनंदन करेंगे, उनका स्वागत करेंगे और जो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सहित बाकी राज्यों में जो जीत हुई है उसके लिए उनका सम्मान करेंगे। तो एक रोड शो होगा। इसके अलावा आपसे थोड़ी देर में यहाँ पर अमित शाह पहले ही कल पहुंच चुके हैं और यहाँ पर लगातार वो मोर्चा संभाले हुए हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठकों की समीक्षा कर रहे हैं। आज 11 बजे से अब से थोड़ी देर बाद राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होनी है, उसके बाद शाम 5 बजे से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है जो कल तक चलेगी। इस बीच में लोगों का आना जाना शुरू हो गया है, मुख्यमंत्री लगभग एक दर्जन मुख्यमंत्री अब से थोड़ी देर में अलग अलग जो स्टेट प्लेन है उनके द्वारा यहाँ पहुंचेंगे। इतना बड़ा काफिला यहाँ एयरपोर्ट पे भी लगभग हमारी बात हुई है, लगभग 12 से ज्यादा चार्टर्ड प्लेन यहाँ उतरना है जिसमें वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, इसके अलावा कई हेलीकॉप्टर। तो कह सकते हैं बहुत बड़ी ताकत, एक बहुत बड़ा जो मेगा शो है वो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त उड़ीसा में कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका असित कुणाल, हमारे एडिटर जो बता रहे थे कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी भुवनेश्वर में आयोजित करने के पीछे क्या कारण है बीजेपी के, और इसके साथ साथ यहाँ नमो रोल मॉडल पर भी चर्चा होगी और साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के कामकाज और उनकी जो शानदार जीत हुई है उसे भी एक रोल मॉडल के तौर पर यहाँ पेश किया जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं दो तस्वीरें खासतौर पर इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में। बीजेपी को उपचुनाव में जो देशभर में सफलता मिली है उसकी चर्चा होगी, उस पर इस मोमेंटम को आगे बढ़ाया जाएगा और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामकाज को लेकर भी यहां पर बातें होंगी और इस ट्रैक पर भी आगे बढ़ने की कोशिश और राज्यों में की जाएगी। तो 3:45 बजे योगी पहुंचेंगे भुवनेश्वर और 3:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे भुवनेश्वर और उसके बाद एक रोड शो भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने भुवनेश्वर पहुंचे हैं, ये खबर इस वक्त। मैं आज उड़ीसा आया हूं, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है और भगवान जगन्नाथ जी की धरती पे आया हूं, भगवान जगन्नाथ जी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और उड़ीसा भारतीय जनता पार्टी को शुभकामना देता हूं कि आने वाले चुनाव में विजय प्राप्त हो और उड़ीसा में भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम उड़ीसा वासी। सर 17 साल से यहां पर नवीन जी का सरकार है, आप क्या उसके बारे में क्या बोलेंगे? और वो जो अभी अभी जो भद्रक में जो दंगा हुआ है वो बोलते हैं कि ये और लोकल स्थितियां तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन 17 साल से जो सरकार है वो जाने वाली है। और भुवनेश्वर से हमारे साथ अदिति नागर जुड़ गई है इस वक्त। अदिति, वहां राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर बहुत सारे नेता पहुंच चुके होंगे, क्या माहौल बना हुआ है? उससे पहले जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले जो यहां नेताओं की बैठक होनी है 11 बजे, उसमें किस तरह के एजेंडे रखे जाएंगे? जी बिल्कुल, आपको बता दें सबसे पहले हम एयरपोर्ट पर यहाँ पे जितने भी मुख्यमंत्री आ रहे हैं उनको रिसीव करने पहुंचे हैं। ये जो जमावड़ा है मैं अपने कैमरामैन को बताना चाहूंगी, ये पूरा जमावड़ा यहाँ पे लगातार जो मुख्यमंत्री अभी गुजरात के सीएम आने वाले हैं उसके बाद राजस्थान के सीएम अब स्टेट प्लेन से पहुंचेंगे अपने 9 लोगों के साथ जो मंत्री हैं यहाँ पर आ रहे हैं, कुल 9 लोग। आपको ये भी बता दें कि जो पूरी तैयारी हो चुकी है 11 बजे पदाधिकारियों की बैठक जो शुरू होगी उसमें क्या है, राज्यों के जो अध्यक्ष हैं वो मौजूद होंगे और सभी पदाधिकारी होंगे और वो सभी अपने अपने मुद्दों पर, राज्यों के मुद्दों पर, उसके अलावा संगठन के मुद्दों पर चर्चा करेंगे और उसके एक मिनट्स ऑफ द मीटिंग अध्यक्ष जी को सौंपी जाएगी। ये एक परंपरा है कि महामंत्रियों की बैठक कल रात को काफी देर तक चली, उसके बाद अब पदाधिकारियों की बैठक होगी। करीब
तीन बजे तक अमित शाह भी उसमें मौजूद रहेंगे, तीन चार बजे तक ऐसे चल के उसके बाद सभी को इंतजार पीएम नरेंद्र मोदी का है। देखिए अभी जो सबसे ज्यादा उत्साह है वो योगी आदित्यनाथ जो सुपरस्टार हैं आज के इस बैठक के सुपरस्टार जो सुपर मॉडल बन के उभरे हैं वो यहाँ पर पौने तीन बजे आएंगे, तो उनका सभी को बेहद इंतजार है और माना जा रहा है कि उनका सम्मान भी वहां हो सकता है। और हमें एक उच्च सूत्रों ने, संघ के सूत्रों ने इंडिकेशन दिया है कि पीएम नरेंद्र मोदी और संघ दोनों ही ये चाहते हैं कि जिस तरीके से एक रोल मॉडल उत्तर प्रदेश में खड़ा किया गया है उसी तरह से बाकी के राज्यों के लिए भी ऐसा ही रोल मॉडल खड़ा किया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश के बाद पूरी तरीके से जीतने के लिए उड़ीसा में तैयार भारतीय जनता पार्टी इस मेगा शो के साथ। आपको बता दें ऐसी बहुत सारी, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अध्यक्ष जब भी किस तरह का कोई प्रोग्राम आयोजन होता है तो वो ग्रैंड प्रोग्राम होता है और उड़ीसा भुवनेश्वर में भी वो ग्रैंड प्रोग्राम है। साफ ये मैसेज 2019 की गूंज की तरह है कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी की जो हुंकार है वो आज पीएम नरेंद्र मोदी इसी जगह से जब निकलेंगे तो बाहर एक युवा मोर्चा और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। एक स्टेज एयरपोर्ट के बाहर ही तैयार किया गया है और वहां से उनका मिनी जो काफिला है, जो रोड शो है वो निकलेगा। तो एयरपोर्ट से वहां तक जहां पर ये कार्यकारिणी होनी है और पूरे शहर को कवर करते हुए जो गूंज है भारतीय जनता पार्टी की वो इस 17 साल का जो बीजेडी का शासन रहा है उसको तोड़ने के लिए जो अध्यक्ष हैं, पार्टी के लोग हैं, वो इस बात को मान रहे हैं कि 17 साल के इस पूरे काम को, इस सरकार को तोड़ने के लिए काफी है और निश्चिंत है कि आज की इस बैठक के बाद हम जनता में भी, कार्यकर्ताओं में भी पूरी फूंक डाल देंगे कि 2019 में चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे असेंबली इलेक्शंस हो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी फुल स्विंग में यहां सरकार बनाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदिति। अदिति नागर हमारी संवाददाता भुवनेश्वर से, जो ये बता रही थी कि 3:30 बजे जब प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे तो वहीं पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को संबोधित भी करेंगे और उसके बाद एक काफिला, छोटा सा काफिला वहां से निकलेगा, लेकिन इस काफिले का संदेश बड़ा होगा। जाहिर है एक रोड शो वहां से शुरू होगा, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जहां हो रही है बैठक स्थल तक ये रोड शो जाना है। आपको बताएं बैठक के पहले दिन क्या होगा, ये हम दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। बैठक के पहले दिन आज राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया जाएगा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मिली जीत के लिए पीएम का सम्मान हो सकता है। यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा के मुख्यमंत्रियों का सम्मान किया जाएगा। और बैठक में कौन कौन शामिल होगा ये देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह बैठक में शामिल होंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो पहुंच चुके हैं इस वक्त, और दिनेश शर्मा बैठक में शामिल होंगे। सभी केंद्रीय मंत्री राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी की सरकार वाले 13 राज्यों के सीएम इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। बैठक में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज नहीं होंगी शामिल और बीजेपी के 3 उपमुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हो रहे हैं। और इसी तरह से आगे देखिए कि 20 साल बाद फिर ओडिशा में बैठक है। ये 1997 में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी ओडिशा में, और बैठक के बाद 1998 लोकसभा चुनाव में बीजेडी यानी बीजू जनता दल और बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा। 2002 में नवीन पटनायक नेतृत्व में, उनके नेतृत्व में ओडिशा में एनडीए की सरकार बनी थी। 2009 के लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर गठबंधन टूट गया था। अब बीजेपी अपने बूते ओडिशा में चुनाव लड़ने की तैयारी में है।